जय श्री राम प्यारे भक्तों, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी भक्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी का कल्याण हो और सभी की भक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद है। प्यारे भक्तों, कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि ये गुरु माता का नंबर है और हमारा प्यार मिल गया गुरु माता की वजह से और फीस काम के बाद लेती हैं। तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि ऐसे कमेंट से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कोई फ्रॉड है जो ये कमेंट कर रहा है, तो आप उसके बिल्कुल भी चक्कर में ना आए, मतलब कोई भी कॉन्टेक्ट ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप पे कोई मुसीबत आए और हमने आज तक किसी को अपना नंबर नहीं दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं आपके सब दुख दूर हो जाएंगे अगर आपने यह एक काम कर लिया। तो कौन सा वो काम है जिसके करने से आपके सब दुख भगवान दूर कर देंगे? प्यारे भक्तों, जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तो ये सोचता है कि कहीं से भी कुछ भी मैं कर लूं लेकिन मुझे आराम हो जाए, यानी कि मेरा दुख दूर हो जाए, मेरी समस्याएं कम हो जाएं। लेकिन प्यारे भक्तों, बहुत ज्यादा रुपए खर्च करने पर, अनंत जगह घूमने के बाद भी दुख कम नहीं होता। और कई बार अगर दुख कम हो भी गया है तो वो अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब कुछ दिनों के बाद फिर से दुख आ जाता है। वास्तव में दुख का दूर होना तो वो होता है कि एक बार दुख चला गया तो दोबारा से दुख ना आए, यानी कि स्थाई रूप से आपको सुख मिल जाए, परमानेंट सुख मिल जाए, कभी दुख आए ही ना। तो ऐसा कौन सा तरीका है? अब देखो, आप पैसे भी खर्च करते हो, समय भी बर्बाद करते हो, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि आपका ना तो एक भी रुपया लगेगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा, और ना ही समय भी बर्बाद नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर आप एकांत में बैठकर करते हो तो उसके अनंत लाभ मिलेंगे आपको। करना क्या है आपको? जिससे सभी दुख दूर हो जाएं, क्योंकि दुख दूर करना चाहते हो तो नाम जप करना ही पड़ेगा। ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर आपने हरि नाम का सहारा नहीं लिया तो आप वास्तव में सुख की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए, आपको स्वप्न में भी कदापि सुख नहीं मिल सकता। तो प्यारे भक्तों, आप शीघ्रता के साथ प्रभु के नाम का जप कीजिए। अगर आपने निरंतरता से नाम जप कर लिया, भक्ति कर ली, तो ये निश्चित है कि आपके दुख सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे और दोबारा कभी दुख आएंगे ही नहीं। क्योंकि जो मनुष्य नाम को एक बार पकड़कर छोड़ता नहीं है, ना छोड़ना नहीं है, छोड़ा तो दोबारा आएंगे ही आएंगे। आपको निरंतरता से सदा नाम को जपना है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जपते हैं तो मेरे पास शब्द नहीं है कि आपकी अति शीघ्रता से दुख दूर होंगे। नहीं तो आप पूरा दिन कभी भी बैठ के एकांत में जप लो, या फिर अपनी आदत बना लो कि दिन भर कार्य करते करते मन से जपते रहो, या फिर जो सबसे उच्च श्रेणी का जप है प्राण जप, उसको हर कार्य करते करते मन, मतलब सांसों को देखते रहो, मन से सांसों का ध्यान करते रहो। कल ही हमने वीडियो डाली थी कि चार समय में भगवान का नाम जप ऐसे करोगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे, ये निश्चित है। वो भी प्राण जप का हमने बताया था, चार बार ध्यान रखना है, पूरे दिन आपका नाम जप चलेगा। तो अब आप अपने आप ही देखें कि आप किस अवस्था में पहुंचे हुए हैं, यानी कि शुरुआती साधक हैं या आप मानसिक करते हैं, प्राण जप करते हैं, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी चढ़ना है, छोड़ना किसी सीढ़ी को नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपको ना तो पूर्ण अनुभव होगा, ना ही पूरा ज्ञान होगा। तो इसलिए शुरुआत से शुरू करना है, श्रवण भक्ति तो करते ही रहना है, और जो शुरुआती साधक है वाणी से करें, फिर उपांशु, मानसिक, प्राण जप, और फिर ध्यान की स्थिति आ जाएगी।
तो आप ऐसे करें और अपने हर प्रकार के दुख को तुरंत दूर करें, देरी का काम नहीं। उसके नाम को पकड़ लिया अनन्य भाव से तो प्यारे भक्तों भगवान आपको तुरंत अपना लेंगे, क्योंकि वो देर नहीं लगाते। बाकी प्यारे भक्तों अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।